हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई बुक रिव्यू सेशन। और आज जिस किताब का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ, वो किताब आपके मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोविड ने जो हमारे साथ करा वो आप सबके सामने ये किताब इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज कहा जाता है कि कारोबार करो, कारोबार में मुनाफा है, लेकिन कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो सबसे बड़ा मसला होता है आपका मनी का, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, अच्छा सेविंग्स है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। सो इस किताब का नाम ही इतना ज़बरदस्त है कि आप हिल के रह जाएंगे। किताब का नाम है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट अ मनी, मतलब कि आप कारोबार स्टार्ट करें बगैर पैसे के। और ये किताब लिखी है रिचर्ड ब्रिज, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट है जिन्होंने मुख्तलिफ बिजनेसेस करे हैं और साथ ही साथ अपने पैशन और मुख्तलिफ चीज़ों को फॉलो करती हैं। जर्नलिज्म का उनको बहुत शौक है तो वो जर्नलिज्म भी करती हैं और साथ साथ मुख्तलिफ बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम भी करती हैं। ये किताब मैंने बहुत टाइम लगा के पढ़ी है, मतलब कि ये पहली किताब है जिसमें मैंने 2.5 से 3 महीने लगाए, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं उसमें से जितना कुछ पढ़ूँ वो सब इम्प्लीमेंट करके देखूँ कि कितना कुछ मौजूद है। इस किताब के अंदर अगर आप देखें, ऑनलाइन बिजनेस का तरीक़ेकार बहुत आसान तरीके से बताया है। इसमें ये बताया कि आप जब कारोबार स्टार्ट करते हैं तो आपका डोमेन नेम क्या होना चाहिए, आप किन इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, आप कारोबार के तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करोगे, प्रमोशन कैसे करोगे, किसी इन्वेस्टर के पास ना तो इन्वेस्टर के पास कैसे जाएंगे, बिजनेस प्लान क्या होता है, एम्प्लॉयज़ रखने हैं तो किस तरह एम्प्लॉयज़ का काम करना है, अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें किताब के अंदर मौजूद है। बट जब आप इस किताब को पढ़ते हैं और इसको जानते हैं कि इस बुक के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था, कि आपका कैश फ्लो कैसे आप मैनेज कर सकते हो। ये पहली बात चीज़ मुझे इस किताब से पता चली कि आप जब कोई कारोबार करते हैं तो आपको अपना बिजनेस का कैश फ्लो कैसे चलाना है, तो ये किताब के अंदर ये चीज़ बड़ी बेहतरीन है। दूसरा, इस किताब के अंदर 50+ ऐसे लिंक्स हैं वेबसाइट के जहाँ से आप फ्रीली डिज़ाइन कर सकते हैं अपना काम, फ्रीली प्रमोट कर सकते हैं, फ्रीली डोमेन ले सकते हैं, फ्रीली वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्रीली ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब फ्रीली किसी को हायर भी कर सकते हैं। तो ये किताब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं आपके साथ लिंक्स जो हैं आगे जाके शेयर करूंगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या इसके अंदर पिक्चर के अंदर आपको वीडियो के अंदर नज़र आ जाएगी। साथ ही साथ किताब को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ पढ़ने के हवाले से या समझने के हवाले से, तो इसकी राइटिंग बहुत आसान जबान में, बहुत ईजी इंग्लिश ग्रामर यूज़ की गई है, कोई मुश्किल या इस तरह के जार्गन्स नहीं है इस किताब के हवाले से। और एक अच्छी बात है कि जो राइटर हैं इन्होंने 8 से ज़्यादा किताबें और लिखी हुई हैं, वो सेम ऐसी टॉपिक्स के ऊपर लिखी हैं। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग या आई मूवमेंट था वो था बिजनेस पार्टनरशिप वाला एक टॉपिक था, और एक मैंने बड़ा, आप देख सकते हैं इस किताब को मैंने कैसे हाईलाइट्स करा हुआ है, तो उसका जो मैंने इतना हाईलाइट करा हुआ वो करने का मकसद ही ये था कि आप कैसे कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत मज़ा आया इसके अंदर पढ़ने में, मार्केटिंग में, और मैंने उसको रियल टाइम लगाया था, वर्ड ऑफ माउथ, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग का बजट हो, फेसबुक ऐड खरीदें, इंस्टाग्राम एड्स खरीदें, आप वर्ड ऑफ माउथ पर कैसे सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। सो हाईली रिकमेंड इस किताब को आप पढ़ें, और ख़ास तौर पर जो अभी न्यू बीस आ रहे हैं, जो कि लोगों को कारोबार करने का शौक है या कारोबार करने का सोच रहे हैं, वो इस किताब को एक बार लाजमी पढ़ें। ये आपको किसी भी ऑनलाइन बुक स्टोर से मिल सकती है, उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, लिबर्टी से मिल जाएगी, आप इजीली ऑर्डर करें, इस किताब को पढ़ें। थैंक यू सो मच।